ये शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत आज इंदौर शहर से होने जा रही है। आप सभी को पता है, जिस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त करके जो भाजपा ने सरकार बनाई है, वो जिस तरह से अनैतिकता दिखी है और जिस तरह लोकतंत्र की हत्या हुई है, उसके लिए हिमांशु यादव जी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से शुद्ध के लिए युद्ध योजना बनाई, जिसके अंतर्गत जो 27 विधानसभाओं में चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, वहाँ पर इनकी पूरी टीम पूरी जाएगी और वहाँ पर जनता को बताएगी कि किस तरह के कारनामे भाजपा की सरकार ने करे हैं और 15 साल में जो कमलनाथ जी की सरकार की उपलब्धियां हैं, हमारी कांग्रेस सरकार की, उन उपलब्धियों को जनता तक ले जाया जाएगा और भाजपा का भ्रष्टाचार उजागर किया जाएगा और बताया जाएगा कि ये लोग किस तरह से ये लोग सत्ता पे काबिज हुए हैं। ऐसी कोरोना जैसी महामारी को भी नज़रअंदाज करते हुए जिस तरह सत्ता पर हक हासिल करा है, वो जनता के सामने लाएंगे और पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने में सहयोगी बनेंगे। और उसी के नाम से शुद्ध के लिए युद्ध है, इसमें गंगा जल भरा हुआ है और ये उन उपचुनाव होने वाली जो विधानसभा है वहां जाकर उनको शुद्धिकरण करेंगे और पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे।